नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम शनि की बात को आगे बढ़ाते हैं और एक नए कलेवर के साथ, नए तरीके के साथ। ये जो दुनिया है ये रंगों की दुनिया है और आकाश में जो सात रंग हैं उनसे ही हज़ारों रंग बनते हैं। और अगर आप एक प्रिज्म रख लें या प्रिज्म में देखें तो आपको सातों रंग इंद्रधनुष की तरह दिखाई मालूम पड़ेंगे। और ये संसार जो है रंगों का संसार है और रंग और आपके एलिमेंट्स जिसको हम तत्व बोलते हैं ज्योतिष में, तो तत्वों के साथ और उसमें भी अलग अलग तत्व हैं। जो तत्व हैं जो सबसे पहले शुरुआत होती है, हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं, अग्नि तत्व की बात करते हैं। तो अग्नि से शुरुआत हुई थी इस दुनिया की। जिस दिन व्यक्ति ने अग्नि खोजी उस दिन से वो सभ्य हो गया। सभ्यता की यात्रा का संबंध अग्नि से है, इसलिए वेदों में अग्नि को बहुत पूजा जाता है और अग्नि की पूजा होती है। और अग्नि जो है, अग्नि से ही हम प्रकट होते हैं और अग्नि में ही हम चले जाते हैं। तो एक वो जो अग्नि है उसके हज़ारों रूप हैं और उसी से प्रकाश का संबंध है और प्रकाश से कलर्स का संबंध है। और प्रकृति में हज़ारों प्रकार के रंग हैं और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तो लाखों प्रकार के रंगों का निर्माण हो चुका है और हर रंग आपको आकर्षित करता है। और इन सब का जो आधार है वो अग्नि है, प्रकाश है, ताप है। और ये ताप हमें तीन राशियों में देखने को मिलता है। और ये जो ताप है इसकी नेचर बदल जाती है। जब हम मेष की बात करते हैं तो वहाँ हमको मंगल का ताप देखने को मिलता है। और जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो वहाँ हमको सूर्य की अग्नि देखने को मिलती है। जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो वहाँ हमको बृहस्पति का तेज देखने को मिलता है। तो शनि इन राशियों में आकर कैसा करता है, बहुत सारी बातें तो आप जानते होंगे। और जो नहीं जानते या जिन पर विचार करना चाहिए उस पर आज हम विचार करेंगे। और हमारे साथ में कविता जी हैं, कविता चैतन्य, जो ज्योतिष में पारंगत हैं और इनका एक अपना अंदाज है प्रश्न करने का। और हम ऐसा मानते हैं कि प्रश्न तब तक ठीक से नहीं हो सकता, गहरा नहीं हो सकता, जब तक कि आपको, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी ना हो। और अगर प्रश्न गहरा ना हो तो उत्तर गहरा नहीं हो सकता। और इसी आधार पर वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। तो जब प्रश्न गहरा होता है तो उत्तर देने वाले को भी सतर्क होकर उत्तर देने पड़ते हैं। तो मेरी स्थिति इस कार्यक्रम में यही रहती है। और अब मैं कविता जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। सर, आपने एक नया ही विषय लिया तत्वों का, क्योंकि अभी तक हमने राशियों की तो बात की है कि ग्रह राशियों में किस तरह का प्रभाव देते हैं, पर आप तत्वों को भी साथ में लेके चलेंगे तो शायद ज्योतिष का एक नया ही और फल सामने आएगा। आपकी मैंने एक बुक पढ़ी थी, स्वयं बने ज्योतिषी, उसमें आपने तीनों तत्वों की बात की है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि की। पर तीनों तत्वों की प्रकृति, जो अग्नि की प्रकृति है, वो अलग अलग है। जैसे मेष राशि की अग्नि के बारे में बताया कि आपने, ये अपरिपक्व अग्नि है इसकी। जैसे सभ्यता की आपने अभी बताया कि सभ्यता की शुरुआत हमारी अग्नि की खोज से हुई, इससे पहले तो सभ्यता थी नहीं। तो मेष राशि भी हमारी ब्रह्मांड की पहली राशि है जहाँ से भी ये अपरिपक्व अग्नि हमें मिलती है। और इस राशि के स्वामी की बात करें तो उसमें एक्सट्रीमली फोर्स है। अब यहाँ पर हम शनि की स्थिति की बात कर रहे हैं। शनि का जो नेचर है वो धैर्य, ठहराव, तो एक विपरीत विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ हैं। तो शनि विराट ग्रह है जो पूरी सृष्टि को संचालित करता है। अब मंगल का फोर्स और शनि का धैर्य, शनि का मंद, तो ये किस तरह का प्रभाव लाएगा इस राशि में? देखिए, दोनों विपरीत स्थितियाँ हैं। मंगल जो है, जैसा आपने बोला, फोर्सफुल है और इसको
कमांडर इन चीफ बोलते हैं ज्योतिष में, सूर्य को राजा बोलते हैं, तो ये कमांडर इन चीफ है, मुख्य सेनापति है, फोर्सफुल है। और ये जो जिसको मैंने बोला कि ये अपर परिपक्व अग्नि है, अभी मैच्योर नहीं हुई, क्योंकि आदमी ने जब पहले अग्नि की खोज की तो उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था। मैं आदिम आदमी की बात कर रहा हूँ, उसे पता नहीं था क्या करना है। धीरे धीरे मालूम पड़ा, पहले तो उसको मालूम पड़ा कि मैं जला के कम अपनी सुरक्षा कर सकूँ, ताप ग्रहण कर सकूँ। फिर उसे मालूम पड़ा इसे खाना बन जाएगा, इससे पहले तो उसको जानवरों से बचने का उपाय करना था, बिल्कुल रात के लिए उसको प्रकाश चाहिए था। तो ऐसे इसलिए वो इमेच्योर अग्नि इसको बोलते हैं, प्राइमोडियल अग्नि बोलते हैं जिसको, प्राइमोडियल फायर जी, जो बिगिनिंग फायर है जी। फिर अब हम अग्नि के 85 रूप जानते हैं, अब सारा इलेक्ट्रिक से होता है, अब तो गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक हो गई, तो अलग अलग अंतर है। तो मेष में जब हम बात करते हैं इसकी राशि की, तो अग्नि तत्व राशि है, चलायमान राशि है, और मंगल का यहाँ पूरा फोर्स है जी। और इसका जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी है जी। वो भी उसका जो चेहरा है हॉर्स की तरह है, हॉर्स पावर हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उससे हम तो पूरी तरह मेष राशि में फोर्स ही है। और उसका जो दूसरा प्रतीक है मेड़ा है, तो यहाँ पूरा फोर्स है जी। और शनि एक लथार्जिक धीमी गति से चलने वाला जी, और कहीं कहीं पर शास्त्र में उसको लंगड़ा भी बोलते हैं। और वो 2.5 साल में अपना एक घर में यात्रा करता है, और मंगल 45 दिन में 45 डेज में निकल जाता है। तो यहाँ आकर उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, तो ये हमारा आज का विषय। सर, जिस बुक की मैंने बात की है स्वयं बने ज्योतिषी, इसमें आपने उसकी सिंबल की भी बात की हुई है। तो जैसे सूर्य का सिंबल है सर्कल, और अगर उसके ऊपर एक एरो अंकित कर दें, एक तीर अंकित कर दें, तो वो मंगल का सिंबल बन जाता है। तो ये एक फोर्स दिखा रहा है ब्रह्मांड की तरफ। तो उसमें आपने बताया कि ऐसे लोग विध्वंसक हो जाते हैं। अब मैंने कुछ कुंडलियों में देखा भी है कि जैसे किसी का अगर मेष राशि में शनि है, तो वह व्यक्ति बहुत धैर्यवान है, सहनशील है, शांत है, पर वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसे मतलब का दुस्साहसी काम भी कर जाते हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। तो क्या मेरा आंकलन सही है या मतलब ऐसा ही होता है? देखिए, बाकी ग्रह तो अलग हैं। जब शनि मेष में होगा तो वो 2.5 साल का भी हो जाता है, करेक्ट, तो 2.5 साल रहेगा। तो 2.5 साल रहेगा, तो यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है, बेसिक कन्फ्लिक्ट क्या है कि जो मंगल की राशि है, चलायमान राशि है, अग्नि तत्व राशि है, और मंगल उसका जो है जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है जी, वो उसका अधिपति है, और शनि इसके विपरीत स्लो है, यू नो अग्नि तत्व नहीं है उसमें कहीं भी, और वो विरोधाभास है, और वहाँ उसको नीच बोल देते हैं जी। हाँ, नीच भी बोल जाते हैं। तो मैं नीच वाले पक्ष पे तो बाद में बात करूँगा, वो तो शास्त्रों की बात है, उस पर ना तो मैं हाँ कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ। इतना ज़रूरी है कि उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल है जी, बिल्कुल। जब भी कोई एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है तो आप उसको ज्योतिष में नीच बोल देते हैं, जैसे नीच भंग राजयोग है जी, विपरीत राजयोग है, तो ज्योतिष में इस तरह के नाम है। नीच मतलब नेगेटिव स्थिति, बजाय कि हम उसको नीच बोलें, संस्कृत भाषा है, नीच का मतलब होता है जहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस हों, जहाँ पर मुश्किलें हों जी। हाँ, नीच का मतलब ये नहीं कि एकदम आदमी नीचता ही करता है। तो मंगल की राशि में उसे शनि को, अगर शनि अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा जी, जैसे आपने बोला उसका धैर्य और संयम है जी, हाँ, वो उसको नहीं छोड़ रहा, और वो बहुत जल्दी में नहीं है, वो बहुत जल्दी में नहीं है रिजल्ट पाने की, क्योंकि जब वो मेष राशि में शनि होगा
तो मंगल के इन्फ्लुएंस से उसे भी तत्काल रिजल्ट चाहिए। मंगल का आदमी क्या करता है, एक्शन पहले करता है, सोचता बाद में। शनि सोचता पहले है, सोचता है फिर एक्शन करता है। जो काम करना उसने कुछ टाइम पहले से ही प्लानिंग शुरू कर, मैंने जितनी बार बोला उतनी बार सोचता है। बिल्कुल, शनि का आदमी कई बार सोचता है, उसमें विचार करता है, अपने विचार को परिपक्व करता है कि ये विचार अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये विचार का विरोध कहाँ से आएगा, इसमें दिक्कतें कहाँ से आएंगी। लेकिन इस राशि में उसको प्रेशर है कि करो, कुछ करो, कर डालो, देखा जाएगा। जब वो उस अवस्था में है तो वो उसकी स्थिति दयनीय है, अपनी नेचर के खिलाफ। जैसे मान लीजिए एक स्लेव है, वो फंस गया है स्लेव कहीं पर, अब उसका जो मास्टर है वो उससे कुछ कह रहा है कि तू कर। अब वो कह रहा है कि मान लो कुएं में गिरा, वो कुएं में गिर गया है, वो ऐसा मान लो कुएं में गिरा है कि ले रस्सी और चढ़ जा, उसे रस्सी फेंक दी और चढ़ के ऊपर से आके फिर ये कर। अब वो जो स्लेव है, एक तो उसे रस्सी पकड़ना नहीं आती, उसे कुएं से निकलना नहीं आता, उसे कूदना फादना नहीं आता, उसे एक नियम आता है। वो नियम के तहत तो कुएं से बाहर निकल के आकाश में उड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन इस कुएं से कैसे निकले, और उधर उसका मालिक उसको प्रेशर डाल रहा है। ऐसी स्थिति समझ लो आप कि मंगल की स्थिति तरीके से समझाते हैं, मंगल की स्थिति में कि अंदर से एक फोर्स है जो कह रहा है तत्काल आपको रिजल्ट चाहिए। वो कहता है मुझे तत्काल नहीं, सिस्टम से चाहिए। जब भी जिनकी भी कुंडली में ये शनि है वहाँ पर जी, अगर वो तत्काल रिजल्ट चाहेंगे तो उन्हें नहीं मिलेंगे, पहले उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक आध कुंडलियाँ हैं जिसमें मैं आपको बात करता हूँ। जैसे एक अरविंद केजरीवाल की कुंडली है, उसको दिखा भी देते हैं। उनका जो शनि है वो मेष राशि में है, 12वें घर में है। अब शनि ने उन्हें कहीं रोका नहीं मुख्यमंत्री होने से, और उनका मॉडल अब तो पूरे देश में हो रहा है। जो फ्रीबीज की हम बात कर रहे हैं, रेवड़ियों की हम बात कर रहे हैं, वो पूरे देश में हर कोई बांट रहा है। पहले शुरुआत केजरीवाल ने की, केजरीवाल के स्कूल का मॉडल, केजरीवाल के बुज़ुर्गों को यात्रा कराने का मॉडल, पूरा मॉडल पूरे देश में अडॉप्ट हुआ। ये उस आदमी की खूबी है। मैं केजरीवाल से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो उसने बोला क्या, वो एक तो शुरू में सबके खिलाफ हो गया, सबके खिलाफ उसने कुछ भी बोल दिया, इसके खिलाफ हुआ। बाद में उसको उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। अगर वो पहले से ही सोचता कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो मंगल ने उसे फोर्स कर दिया कि बोल दे, कह दे, तू देखा जाएगा। मंगल की राशि ने फोर्स कर दिया, वो कह गया। अब बाद में उसे महसूस हुआ कि ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। मैं इससे कंसर्न नहीं हूँ क्या हो रहा है आजकल दिल्ली में, क्या वो जेल में कौन गया है कौन नहीं गया है, कोई, मैं सिर्फ ज्योतिषी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो सिस्टमेटिक होता है, तब फिर वो जो सिस्टम उसने अडॉप्ट किए, चाहे एजुकेशन का हो, ये हो, पूरे देश में वो अडॉप्ट हो रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, केजरीवाल सफल हो ना हो, लेकिन उसका मॉडल सफल हो गया। अब मैं अपने हिसाब से अगर मैं सोचूं व्यक्तिगत रूप से, अब दूसरी कुंडली मेरे पास में है ये राहुल गांधी की। राहुल गांधी की कुंडली में तुला लग्न है, और लग्न में बृहस्पति है, सप्तम में शनि है। दशा की बिल्कुल बात नहीं कर रहे, यहाँ पर भी शनि नीच का है। ओके, शनि नीच का है तो इनके खिलाफ, जब इस तरह की शनि नीच का हो तो आदमी को एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। इनका बहुत विरोध हुआ जब इनकी कांग्रेस पार्टी चली गई, बहुत विरोध हुआ, और कुछ इन्होंने भी मिस्टेक की उस ज़माने में, वो फाड़ दिया, कुछ ये हो गया, वो हो गया, जिसको विरोधी पक्ष ने अलग तरह से किया। और पिछले इलेक्शन में अगर मैं याद करूँ तो ये सॉफ्ट हिंदुइज्म की बात होने लगी, मंदिर जाने लगे, ऐसा सब कुछ हुआ। तो चूंकि
दूसरी पार्टी जो है बीजेपी पूरी हिंदुत्व की पार्टी है, तो इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की तो उन्होंने उसका विरोध किया। अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो गरीबों से मिल रहे हैं, वो साइकिल ठीक करने वाले से मिल रहे हैं, मोटरसाइकिल ठीक करने वाले से मिल रहे हैं, जो समोसे बना रहा है उससे मिल रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। शनि यही तो चाहता है आजकल तो बहुत ही ज़्यादा, शनि यही तो चाहता है कि तुम रियल हो जाओ, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, और डाउन ट्रोडन की बात करो। डाउन ट्रोडन मतलब उन लोगों की बात करो जिन लोगों की बात अभी हुई नहीं। अब वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस करेंगे वो, और कौन किस जाति का है उसके ऊपर गणना करेंगे, जातिगत गणना होगी। तो उन्होंने आम आदमी को पकड़ा। शनि कहता है आम आदमी की बात करो। यहाँ पर केजरीवाल की बात करना भी इम्पोर्टेंट है, उसने भी आम आदमी की बात की, या उसने आम आदमी की बात करी तो शनि ने उसको ऊपर उठा दिया। लेकिन अगर वो अपना महल बनाएगा तो आम आदमी नहीं रहा फिर वो। और उसने जो शीश महल की बात करते हैं, जमीन से जुड़ना पड़ेगा। तो आप अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपने शनि को नकार दिया, जबकि राहुल कहता है कि मैं कहीं भी सो जाऊंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा। वो जब उसने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, उसने कमाल कर दिया पूरे जाड़े में, इतनी सर्दी में, बरसात में, मीडिया में हंगामा नहीं किया, उसने जो सच किया वो सबको पसंद आया, तो वो एक नया माहौल बन गया। और दूसरा उसकी कुंडली में बृहस्पति है, बृहस्पति सामने है, तो नाड़ी शास्त्र बोलता है जब बृहस्पति और शनि आमने सामने हो तो ऐसा व्यक्ति एक राजयोग बन जाता है। ये राजयोग है और ये बड़ा उच्च कोटि का राजयोग है। और शनि होता है पब्लिक और गुरु होता है कृपा, तो पब्लिक उस आदमी से जुड़ जाती है और आप देख रहे हैं जुड़ती चली जा रही है, और ऐसा आने वाले समय में होगा। तो यहाँ मेष में शनि ये बोलता है कि जैसा मैं हूँ, मंगल में हूँ अलग बात है, मैं नीच का हूँ मुझे नीच भी कहो वो भी चलेगा, लेकिन मैं अगर वो अपने अपने नियम से चलेगा, जैसे जब ये दोनों कुंडली की बात करने का, जब केजरीवाल नियम से चला, उसने आम आदमी की चिंता की, उसने उनके मेडिकल की चिंता की, हॉस्पिटल्स खोले, तो पूरा दिल्ली जुड़ गया। देश में उसका मॉडल लोगों ने को एक्सेप्ट होना शुरू, विवाद उसने शुरू किया। उसके बाद जब वो व्यक्तिगत उसकी अगर महल देखेंगे लोग तो बोलेंगे फिर ये शनि वाली बात नहीं हुई, शनि खुद ही नाराज़ हो गया। शनि बोलता है अरे ये तो बात नहीं थी, कल तक तो तुम बोलते थे मारुति चलाऊंगा, मारुति मत चलाओ, सरकारी पूरे बंगले में रहो, उसी को ठीक ठाक करा लो। लेकिन उसको ऐसा कराने की ज़रूरत, ये शनि की नेचर के खिलाफ है। मैं नहीं जानता सरकार क्या बोलती है क्या नहीं बोलता, मैं किसी ADVD को नहीं जानता, मैं सिर्फ ज्योतिष को जानता हूँ। शनि जो बोलता है मैं तो आम आदमी का ग्रह हूँ, आप खास आदमी क्यों बनना चाहते हो। राहुल इस बात को समझ गया कि वो आम आदमी के लिए है, इसलिए आम आदमी की बात जब वो करेगा तो पूरा तबका जो आम आदमी से संबंध रखता है वो सुनेगा, और जो लोग आम आदमी नहीं भी हैं उन्हें भी ये बात पसंद आएगी। तो ये शनि का रूप है। तो ये एग्जाम्पल से मेरे को लगता है आसानी से हम बात समझ जाएंगे। सर अक्सर आप कभी भी ना उपाय की बात नहीं करते, पर आज आपने उपाय दे ही दिया जिनका मेष राशि में शनि है उन्हें किस तरह अपनी दिनचर्या रखें, लाइफ स्टाइल रखें, तो इस अपनी जो ये राशि का शनि की स्थिति का फायदा भी उठा लें। नियमबद्ध होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपनी लिमिटेशन समझनी पड़ेगी। शनि बोलता है ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन इफ़ यू वांट टू बी अनलिमिटेड। जब मेरे को समझ में आ जाए कि मैं ये बात जानता नहीं हूँ, तब मेरे को उस बात को जानने की रुचि पैदा होगी, और मैं जानूँ तो हूँ नहीं और उस पर लेक्चर दूँ या औरों की सुनी सुनाई बात को बोलूं, तो फिर शनि मेरे साथ नहीं है। शनि बहुत, इसलिए शनि को न्यायप्रिय इसलिए नहीं बोलते कि न्याय किया उसने, न्याय तो नीच राशि में भी न्याय कर रहा है आपके साथ, ऐसा नहीं कि 7.5 में करता है, मेरा न्याय कर रहा है कि आप मेरा तरीका ये है, इफ़ यू फॉलो माई मेथड आई एम विथ यू। और दो एग्जाम्पल मैंने दिखाए कि नीच का शनि भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता। सर आप सिंह राशि की अग्नि की बात करते हैं, सिंह राशि की एक तो ये स्थिर राशि है, और सिंह राशि की जो अग्नि के बारे में आपने लिखा है कि वो एक परिष्कृत अग्नि है,
जिसका कि जो मेष राशि की दिशा ही नग्नि है उससे कोई तालमेल नहीं है। और इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल शेर है, जो स्पष्टवादिता, दृढ़ता, कॉन्फिडेंस ये सब उसमें है। तो ये बात तो हुई प्योर सिंह राशि की। अब यहाँ बात करें कि शनि की स्थिति की, अगर शनि यहाँ स्थित मतलब विराजमान हो जाएं, तो जो उसके गुणधर्मों की हमने बात की उसमें किस तरह की कटौती आएगी या किस तरह के तालमेल में कुछ कमी आएगी? आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है जी, और सूर्य जो है सोलर मंडल का किंग है, किंग है जी, और शनि उसका पुत्र भी है, लेकिन इस पुत्र से पिता पुत्र में एक वैमनस्य है, पिता की राशि में भी है और वैसे बात तो करें तो शत्रु पिता राशी की राशि में है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शनि अपने तरीके से है जी, और सूर्य अपने तरीके से है। सूर्य की राशि में सूर्य अथॉरिटी है जी, तो जो अथॉरिटी है वो चाहती है कि जो शनि के उस जिन लोगों की कुंडली में वो होता है ये शनि सिंह राशि में जी, तो वो देखते होंगे आसपास उनके पिता या मामा चाचा काका या बॉस जी, या अभी बड़ा भाई या समाज, वो लोग कई मसलों पर उनके साथ में बड़ा अजीब किस्म का व्यवहार करते होंगे और अथॉरिटी इस्तेमाल करते होंगे, बॉसिज्म की, ऐसा 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 करो, बांध के रखना चाहेंगे जी। और शनि जो है सिंह राशि में है तो वो समझता है कि ये राशि में मैं हूँ तो मैं तो ऐसे ही बंधा हुआ हूँ, मैं तो बंध के चलता हूँ, मैं तो नियम से चलता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। शनि का जो पूरी फिलॉसफी है उसकी फिलॉसफी है जो इसको बोलते हैं हम मिनिमलिज्म, मतलब कम से कम में अपना काम करना, मतलब? उसको उसको कम से कम चाहिए अपने लिए, उसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा इच्छाएं नहीं, उसको उसकी वो ज़्यादा बेकार की इच्छाएं नहीं पालता जी, वो उन्हीं इच्छाओं को समोहता है, पालता है जो इच्छाएं उसको लगता है पूर्ण हो सकती हैं, उसे अगर इतने से काम चल जाए तो उसे इतने की आवश्यकता नहीं है। अब वो जानता है कि मैं भी इस्तेमाल करूँ दूसरा भी इस्तेमाल करे, अगर सारी चीज़ों पर मैं ही बैठ जाऊँगा तो फिर कैसे वो काम बनेगा। इसलिए इस दुनिया में जो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म पनपा वो शनि के कारण बनपा इसी शताब्दी में, उस समय शनि का जोर भी था आकाश में, तो ये पनपा कि सबकी इक्वालिटी होना चाहिए, कहता है इक्वालिटी होना चाहिए और मेरे को उतना चाहिए जितना मेरे इस्तेमाल में आवश्यक है, तो उससे ज़्यादा की मेरे को ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा है मुझे उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, दूसरे को दे देना चाहिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, और वो अपने को अपने सिस्टम से चलता है। और यहाँ पर जो सूर्य है वो उस पर अथॉरिटी करता है, वो उस पर अथॉरिटी करता है कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे चलोगे। तो जो आदमी मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप अपना काम बढ़िया से करते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बॉस है वो वहाँ डांट देता है जहाँ आप गलत नहीं हैं, जहाँ वो डांट देता है, जहाँ वो आपकी इंसल्ट कर देता है, या घर का कोई बंदा हो या आपके माताजी पिताजी जो भी हो, वो जो मेहमानों के सामने आपकी ऐसे कर देते हैं कि ये बेटा तो ऐसा नहीं करता, बेटी ऐसी नहीं करती, पड़ोसी का देखो, तो जब वो ऐसा करता है तो यहाँ पर ये जो शनि है विध्वंसक हो जाता है, बिल्कुल विध्वंसक हो जाता है, वो विद्रोह जो उसका बाप के प्रति दुश्मनी है वो दुश्मनी प्रकट हो जाती है, वो कहता है कि तुम गलत बात कर रहे हो, तुम्हारी बात ही गलत है, तुमको मुझको डांटना था तो अलग से डांट देते, मान लिया मेरी गलती भी हो गई और फिर मैंने मिस्टेक को अपनी मान भी ली, लेकिन तुमने एक बार बोल दिया अब अलग बात है, अब तुमने पहले वाले से बोला, दूसरे वाले से बोला, तीसरे वाले से बोला, एक ही बात पर आप मेरे को चार बार नहीं डांट सकते, आप चार बार समझा नहीं सकते, चार बार कोई मंत्र नहीं दे सकते, चार बार आप मेरे सामने नहीं आ सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको भी करेक्ट कर दूंगा। तो फिर वो एक दिन वो विद्रोही हो जाता है
विद्रोही हो जाता है तो फिर वो बाद में उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि दिक्कत नहीं होती जी। वैसे मुझे एग्जांपल देना ही चाहिए, मेरी कुंडली में शनि सिंह का है, मुझे अभी यही याद आ रहा था मुझे सिंह का है, तो ये मेरी स्थिति मेरे फादर के साथ होती थी, मेरे मामा लोगों के साथ होती थी, चाचा के साथ होती थी और टीचर के साथ होती थी, और मैंने नौकरी वोकरी नहीं की ज़्यादा, करता तो मेरे को लोग बॉस सस्पेंड ही करते थे थोड़ी बहुत जो की भी तो बात नहीं बनती थी, तो मैं कई बार देखता था जी। मैं इतना गलत हूँ मान लो, वो इतने गलत है। सवाल ये है, आप मेरे को डांट रहे हो, मान लो मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे को डांट रहे हो, लेकिन आप तो चेन स्मोक करो, तो फिर मुझे आपको इम्प्रेशन कैसे आएगा? आप समझते हैं, मान लो मैं सुबह नहीं उठता हूँ तो आप कौन से उठते हो? आप तो उठते नहीं हो, मुझसे कहते हो कि तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तो शनि प्रश्न करता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना कोई ऐसी कोई बात है, ना मैं सुबह देर से उठता हूँ, एग्जांपल की बात है कि वो शनि कहता है कि तुम अगर मेरे को कह रहे हो तो क्या तुम वैसे हो? तुमको मेरी गलती है मैं मान रहा हूँ, तो मेरी गलती पे तुमको इतना मतलब एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं थी। तो जब वो उससे ज़्यादा करता है, वो कहता है मैं तो खुद ही संभल के चल रहा हूँ, मैं समझ ही रहा हूँ कि मैं मेरी स्थिति दयनीय है, क्योंकि शनि जब सिंह में होगा तो उसकी स्थिति दयनीय होगी ही होगी, मेष में होगा उसकी स्थिति दयनीय होगी होगी, अच्छा। उसकी स्थिति दयनीय होगी, लेकिन उस स्थिति से खुद ही बाहर आना चाहता है, वो उस स्थिति में नहीं रहना चाहता, वो अपने आप नियम, कोई नियम वाला आदमी जो नियम के अनुसार चलता है, वो किसी जगह फंस जाए और नियम ना कर पाए किसी कारण से, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नियमबद्धता ख़त्म हो गई है, उसके सरकमस्टांसेस उसके हिसाब के नहीं है, और उससे कुछ मिस्टेक हो भी जाती है, मैंने भी मिस्टेक की ही नहीं, मेरा किसी के प्रति कोई गर्ज नहीं है, ना किसी के खिलाफ हूँ मैं, मेरे फादर बहुत अच्छे थे, ना मैं किसी से मेरे को शिकायत है, लेकिन मैं शनि का रूप बता रहा हूँ कि शनि यहाँ पर एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है कि वो गलत बात पर आदमी को मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक इस तरह का था। मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ, तो जिसमें मुझे पिटाई हुई थी मेरी, तो हम छोटे भाई में लड़ते बढ़ते रहते थे, तो फादर ने कोई किताब पढ़ी होगी, तो उस समय जो ट्रेन चलती थी आज से 50-60 साल पहले, तो वो ट्रेन दो दो तीन तीन दिन में आदमी पहुंचता था, दिल्ली से अगर आपको मद्रास जाना हो तो दो तीन दिन लग जाते थे, तो वहाँ पर ट्रेन में आज ऐसी सुविधाएँ नहीं थी, खाना लोग घर से लाते थे, आपस में लाते थे, सबकी दोस्तियाँ हो जाती थी, कई बार ट्रेन में शादियाँ भी हो जाती थी, तो मेरे फादर बोले कि ट्रेन में देखो जो लोग जानते नहीं एक दूसरे को, मिलते हैं तो कितने प्रेम से मिलते हैं, कोई पूड़ी शेयर कर रहा है, कोई सब्जी शेयर कर रहा है, कोई पराठा खिला रहा है, कोई अचार दे रहा है, कोई सुराही का सुराही लोग रखते थे, पानी पिला रहा है, ऐसे ही और तुम बच्चा लोग लड़ते हो, तो मैंने कहा ये एग्जांपल ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? तो मेरे को बड़ी आँखें निकाल के बोला ऐसा क्यों बोलता है तू, झगड़ा मेरा रहता ही था, ऐसा क्यों बोलता है? मैंने कहा ये एग्जांपल ठीक गलत है। बोले क्यों गलत है? मैंने कहा वहाँ जो लोग ट्रेन में बैठते हैं वो किसी को जानते नहीं हैं, जब किसी को जानते नहीं हैं तो शुरू में हमारा व्यवहार अच्छा ही होता है, और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, दूसरा कहता है मैं भी कितना अच्छा हूँ, तीसरा कहता है मैं भी कितना अच्छा हूँ, वो आपस में घर में क्या करते हैं कोई नहीं जानता, और ये हम सब जानते हैं इसने क्या किया मेरी बहन ने, उसने क्या किया तो आपको पता नहीं, और आप वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हो जो एग्ज़ाम्पल फिट नहीं है, तो इसकी ऊपर मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी, मेरी पिटाई भी हो जाती, मेरी माँ ने शायद मुझे बचा को चल दिया, तो मैं बताने की बात कर रहा हूँ कि ऐसी स्थितियाँ मेरे साथ तो 100 आई, हज़ारों आई, तो मैं देखता था कि क्या है, और शायद इसीलिए मैं ज्योतिष को थोड़ा गहरे में समझ पाया, कि फिर मैंने औरों के साथ जब मिलता था, मैं शास्त्रों में तो पढ़ा सो पढ़ा, जो नीच के शनि के लोग थे उनसे मिलता था, जो सिंह के लोग थे उनसे मिलता था, उनसे जानना चाहता था कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा रहता था, तो दिस इज़ हाउ आई लर्न।
बजाय कि किताबों में सीखता, तो मैंने हज़ारों कुंडलियों में देखा, लोगों से पूछता था मैं कि क्या आपको लगता है, कैसे होता है आपके साथ में, किस तरह का व्यवहार होता है। तो आई थिंक इस तरह से होता है। लेकिन ये जो है, अगर मान लो मेरी कुंडली में शनि था या है जी। है, तो वो या तो मेरे किसी पास्ट कर्म के कारण है, ऐसा मान लो ज्योतिष तो मानती हैं, और दूसरा मान लो जो लोग नहीं मानते ऐसा, तो कम से कम मुझे इस जन्म में तो सुधार करना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो राइट एंड आई वॉज ऑल्सो राइट, वो भी सही कह रहे हैं कि जो वो अपनी गलत नहीं कह रहे कि भाई ऐसा व्यवहार क्यों नहीं हो सकता, बात तो वो भी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात भी ठीक है, बात दोनों ठीक हैं, लेकिन शायद टाइमिंग ठीक नहीं है। तो आई थिंक वो टाइमिंग बाद में मेरे को समझ में आई कि टाइमिंग ठीक नहीं है। मैं भी जब बच्चों को समझाता हूँ तो मैं फिर अलग तरह से समझाता हूँ, उस तरह से नहीं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ उनसे समझ लूँ बजाय उनको समझाने के। सर आज तो ज्योतिष के साथ व्यावहारिक चर्चा भी हो रही है, जो हम लोग फेस करते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते हैं इन बातों पर। सर आमतौर पर जो सिंह राशि के लोग होते हैं उन्हें किसी की चुनौती पसंद नहीं होती, और कोई इन्हें छेड़ दे तो ये आक्रामक भी हो जाते हैं, और सिंह राशि में जैसे लोगों में वो तो होता ही है कॉन्फिडेंस, लोग इसे ईगो में भी बोल देते हैं कि ये ईगो है। और एक खूबी ये भी है कि अगर कोई इनके आगे समर्पण कर दे तो ये उसे खुले दिल से माफ़ भी करते हैं, और आमतौर पर लोग इनका इस जो स्वभाव है इसको यूज़ भी कर लेते हैं। तो शनि की जो स्थिति है वो इस स्वभाव को थोड़ा ठीक करने में क्या कुछ मदद करती है? ये सकारात्मक पहलू भी है इसका शनि का, अगर वो सिंह राशि में हो तो? शनि शुरू में तो इन्फ्लुएंस हो जाता है, शनि अपनी आदत छोड़ देता है, क्योंकि अब वो सिंह राशि बड़ी पावरफुल राशि है। जी हाँ। अगर हम ये बात भूल भी जाएं कि उसके फादर की राशि है, तो सिंह राशि अपने आप में पंचम राशि है जी, काल पुरुष की बड़ी पावरफुल राशि है, और कोई भी ग्रह जो वहाँ बैठा होगा वो पंचम भाव से इम्प्रेस हो जाएगा। तो बाकी ग्रह तो अपने हिसाब से इम्प्रेस होंगे, शनि भी इम्प्रेस होगा। अच्छा। किसी को भी अपनी तारीफ तो अच्छी सबको लगती है, तो शनि को भी लग जाएगी, क्यों नहीं लगेगी, उसको भी लगेगा क्यों नहीं, मेरी तारीफ करो भाई, अच्छा है, मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलो। शुरू में लगेगा, फिर उसे बाद में एहसास होगा ये मेरी नेचर के खिलाफ है, मेरी नेचर के खिलाफ़ ये है कि ये तारीफ जो है इसमें ईमानदारी कम है, ये उसको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। जबकि सिंह राशि वाले को ये कभी समझ में नहीं आएगी कि इसमें, वो तो प्रसन्न ही प्रसन्न है, राजा तो हमेशा ही प्रसन्न है, राजा के पास चापलूस लोगों से राजा हमेशा खुश रहता है, लेकिन शनि फिर चापलूसी थोड़ी बहुत तो पसंद करेगा शुरू में, लेकिन बाद में उसे लगेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो ये गलत हो रहा है तो उसे लगेगा ये तो मेरे बाप के साथ भी गलत होता है, यानी सिंह राशि में भी गलत होता है, तो वहाँ भी एक हुआ है कि भाई राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, राजा को संयम वाला होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, राजा को भी परफेक्ट होना चाहिए, तो राजा को भी परफेक्ट करने के चक्कर में रहता है, खुद तो करते ही करता है, शुरू में ही स्वेड अवे वो उसमें घूम जाता है, लेकिन बाद में वो खुद को भी करेक्ट करता है और सामने वाले को करेक्ट करता है, इसलिए उसकी जो एनिमिटी है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसको हम एनिमिटी बोलते हैं, इसको बोलें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मेरे आपके विचार नहीं मिलते, लेकिन मेरे इसमें आपने दिल बुराई नहीं है, विचार नहीं मिलते, तो विचारों का है तो पिता पुत्र ही ना। हाँ, तो विचारों की लड़ाई है, वैसे लड़ाई वैसे नहीं है नहीं, तो ये विचार उसको पसंद नहीं आएगा कि मेरा बाप या राजा, बाप ना बोले, मेरा राजा जो है या मेरा बॉस चापलूसों से घिरा हुआ, ये उसे पसंद नहीं आएगा, उसे फिर अपने पर शर्म भी आएगी कि मैं क्यों घिर गया, मैं क्यों फंस गया इनके रैकेट में आके। तो कुछ तो बाप का इन्फ्लुएंस होता ही है ना, ये पावरफुल राशि का, बाप ना बोलें तो पावरफुल राशि का इन्फ्लुएंस तो हुआ ही होगा, शुरू में तो फंसेगा, बाद में समझेगा, और जब खुद समझेगा तो उसको समझाएगा, तो अगेन कन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं सिंह राशि के लोग में जो हमने बात की अभिमान की और स्वाभिमान की, उसमें कुछ ठहराव भी आ जाएगा। हाँ, तो ठहराव समझ जाएगा, जो समझ जाएगा तो उसको ये अंत में बात समझ में आएगी कि मेरा तरीका ज़्यादा बेहतर है,
मैं जैसा हूँ मैं वैसा होके चलूंगा तो मैं अपना रास्ता पा जाऊंगा, इनके रास्ते से तो ये तो पहुंच जाएंगे, मैं तो नहीं पहुंचूंगा। राजा तो पहुंच जाएगा कैसे भी, घोड़े भी लड़के, इनको घोड़ा कहाँ से मिलेगा। राजा के पास जो सुख सुविधाएं हैं वो तो राजा उनका इस्तेमाल कर लेगा, प्लेन से जाएगा, जो आदमी बैलगाड़ी से जा रहा है वो तांगा इस्तेमाल मिलेगा उसे, तो कहाँ जा कहाँ पहुँच पाएगा। तो वो अपनी स्थिति को पहचान कर अपनी औकात में रहना पसंद करता है, अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो। सर अभी हमने पहले मेष राशि की अग्नि की बात की जो आदिम अग्नि है, फिर हमने बात की सिंह राशि की जो एक शाश्वत अग्नि है जिसमें जिसमें मनुष्य का विकास हो चुका है, विकास की तरफ अग्रसर हो गया है। अब धनु राशि की अग्नि की बात करते हैं, तो धनु राशि की धौरी प्रकृति है और इसका जो सिंबल है वो दो सिंबल दो आकृतियाँ मिलके बनाए, जैसे पीछे का हिस्सा घोड़े का है और ऊपर का हिस्सा धनुर्धर का, जो बिना किसी लक्ष्य के निशाना साध रहा है। अब यहाँ पे शनि की स्थिति की बात करते हैं, तो पिछली बार एक बात हुई थी कि धनु और मीन में जो शनि होता है वो स्थान की वृद्धि करता है, वहाँ पे जाके शनि बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो धनु राशि में शनि किस तरह की अपनी प्रवृत्ति देगा, अपना फल देगा, क्योंकि धनु राशि जो है वो सांसारिक राशि भी है और वो आध्यात्मिक की बात भी करता है, तो क्या शनि इन गुणों में और ज़्यादा वृद्धि करेगा? बिल्कुल ठीक। देखिए ऐसा है, जब शनि धनु में होता है खासतौर से, धनु में अग्नि है, मीन में अग्नि नहीं होगी तो उसका अलग से बात करनी पड़ेगी। तो ये जो अग्नि है, जो मेष की अग्नि हम बोलते हैं कि इमेच्योर अग्नि है या इनिशियल प्राइमोडियल अग्नि है, और जो सिंह में है वहाँ परिष्कृत हो गई, उसको आत्मकारक भी बोलते हैं, तो आत्मकारक अग्नि हो गई। और ये जो है, ये गुरु के घर में अग्नि जो है वो यहाँ पर एनिमल और मनुष्य दोनों का योगदान है, दोनों का स्ट्रेंथ है। मतलब एनिमल में घोड़ा है और धनुर्धर है, तो आप समझ लीजिए कि धनुर्धर में अगर हम सोचते हैं तो अर्जुन हमको याद आता है, घोड़े की बात करते हैं तो चेतक याद आता है। तो ऐसी भी कल्पना करें कि ऐसा कोई पावरफुल व्यक्ति, पावरफुल घोड़ा का दोनों मिलें तो क्या क्रांति हो सकती है। ये सिंबल है, सिंबल बता रहा है। अच्छा, फिर वो लक्ष्य साध रहा है। तो और दूसरा, ये अग्नि अग्नि भी है, अग्नि यहाँ पर ड्यूअल नेचर की है, तो द्विस्वभाव है, शुभ ग्रह। तो यहाँ पर जो अग्नि है वो ड्यूअल नेचर की है, जब अग्नि ड्यूअल नेचर की है तब ये अग्नि सकारात्मक हो गई। इस अग्नि से आप खाना बना रहे हैं, बिल्कुल। इस अग्नि से जठराग्नि है आपकी, तो आपको खाना पचाने में काम आ रही है। तो जो भी ये बल्ब जल रहा है आपका, तो जो भी कुछ हो रहा है, तो ये अग्नि का ही रूप है। तो जो अग्नि इस्तेमाल में आ रही है, जो सबके यूज़ में आ रही है, तो ये एक प्रकाश है, ये आपको प्रकाशित कर रही है। तो इसको हम जो द्विस्वभाव राशि बोलते हैं, तो आपकी दुनिया को प्रकाशित कर रही है, वर्ल्ड को प्रकाशित कर रही है, मेटरलिज्म की बात कर रही है। और ये अगर प्रकाश भीतर चला जाए तो आध्यात्मिक बात हो जाती है। अगर आप भीतर से प्रकाशित हो गए तो आपको बुद्धा होने में देर नहीं लगती, नानक होने में देर नहीं लगती, आपको महावीर होने में देर नहीं लगती, कबीर होने में देर नहीं लगती, वीरा होने में देर नहीं लगती। तो इसलिए इसको ड्यूअल बोलते हैं कि एक प्रकाश तो बाहर का है और एक प्रकाश भीतर का है। तो शनि भी कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि बिल्कुल ही आप गिरे पड़े रहो, भीख मांगते फिरो, ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम से कैसे आपने को करते हो, जब मिनिमम में रहोगे, ज़रूरत के साथ रहोगे, तो वो शनि की वो है कि था ना, प्रभु इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, जामे कुटुंब समाए, कुटुंब समाए, भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। तो इस प्रकृति में तो बिलीव करता है कि इतना तो मुझे चाहिए, मुझे मेरे अपने मेहनत का सवाल चाहिए, सवा चाहिए। और जब वो देखता है कि गुरु जो है यहाँ पर दोनों तरह के काम कर रहा है, दुनिया भी काम भी कर रहा है और आध्यात्मिक काम भी कर रहा है, तो फिर गुरु के साथ हो जाता है। और गुरु भी शनि को समझता है कि ये तो अलग किस्म की बात है, ये तो अलग है। और नाड़ी ज्योतिष में वैसे भी अगर गुरु और शनि की संधि हो या आमने सामने हो, उसको राजयोग के रूप में मानते हैं, तो
तो वहाँ पर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। जब शुद्ध हो जाते हैं तो दोनों में ही जो नेगेटिविटी होती है ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ अग्नि अलग हो जाती है। तो हम बात तो अग्नि तत्वों में अलग अलग तरह का मामला है। सर आज पूरी जो आपकी बुक में लिखा हुआ है पूरी चर्चा उस पर हुई है और संक्षेप में बहुत कुछ उसमें हमने नया ही और मिला है इसमें, तो आगे भी ऐसे ही चर्चा इसमें बुक से ही लेके मैं क्वेश्चन करूँगी। ये किताब जो है स्वयं बने ज्योतिषी और इंग्लिश में बी योर ओन एस्ट्रोलॉजर करीब 22 साल पहले आई थी और इसकी 30-40 एडिशन छप चुके हैं। अब तो एडिशन छपते नहीं, अब तो ऑर्डर से छप जाती है और दुनिया के किसी भी कोने में ये किताब आपको मिल जाती है। इस दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और इस किताब को लिखने में मुझे मात्र 20 साल लगे थे तो मैंने 20 साल में लिखी थी, तो 20 साल के उसके बाद लिखी थी। पूरे अनुभव का निचोड़ है उस बुक में। उसमें 20 साल के बाद लिखी थी वो। और ये शनि की चर्चा हमारी जारी रहेगी, अगली बार कोई नया विषय रहेगा। और हम चाहते हैं कि जो आप जानते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, वो तो आपका ज्ञान है ही, एक नए अंदाज से ग्रहों की बात की जाए, ज्योतिष की बात की जाए, और ज्योतिष को एक नए कलेवर के साथ समझा जाए, नए तरीके के साथ समझा जाए। तो अगर विज्ञान है तो विज्ञान में कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए, ऐड ऑन होना चाहिए। और ये जो भी कुछ हम जोड़ पा रहे हैं ये हमारा अनुभव है, जो 45 ईयर्स तो काम करते हो गए, शौक को बोलें तो 10-5 साल और जोड़ लें तो आधी सेंचुरी तो हो ही गई। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर शनि की बात करेंगे।